और देखो धर्म जब आप पढ़ने जाते हो रिलीजन, तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी धर्म जो है उसके दो इम्पॉर्टेंट पक्ष होते हैं, राइट। एक जो धर्म जो होता है इसका दार्शनिक पक्ष होता है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, और दूसरा धर्म का पक्ष होता है क्रिया पक्ष। अब इस दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत हम धर्म के दर्शन के बारे में जानते हैं या सिद्धांत के बारे में जानते हैं, और क्रिया पक्ष के अंतर्गत हम धर्म के कर्मकांड के बारे में जानते हैं। अब देखो यहां पर जब हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारे सामने समस्या है वो समस्या ये है कि हमारा पूरा अध्ययन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर आधारित है। राइट, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन जो है, इस इंडस सिविलाइजेशन के लिए हमारे पास लिटरेरी सोर्स एक तरह से ना के बराबर है। हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट है लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, और रिटन स्क्रिप्ट जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, मैंने पहले भी बात किया था कि स्क्रिप्ट जो है ये पिक्टोग्राफ है। यही मैं आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ये पिक्टोग्राफ का मतलब चित्र के रूप में है, और इसको हम इसलिए नहीं पढ़ सके हैं क्योंकि इसमें कोई एडवांसमेंट भी नहीं है, और इसमें कहा जाता है कि 375 से लेके 400 चिन्ह हैं, राइट। और इसमें जो लिखने का जो तरीका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है कालीबंगा से कि ये ब्रिस्टोफेदन स्टाइल में लिखा जाता था, है ना। ब्रिस्टोफेदन का मतलब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, राइट। ये कहाँ से मिल रहा, कालीबंगा से। और इससे लिपि पर काम करने के बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, वो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इरावथन महादेवन, ठीक है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो हड़प्पा की जो लिपि है वो एक तरह से द्रविड़ियन लिपि से कनेक्ट करती है। संभवतः ये लोग द्रविड़ियन लैंग्वेज भी बोलते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आर्यन सभ्यता नहीं है, तो आर्यन के आने के पहले भारत में एक सभ्यता डेवलप की थी। ये 2015 में भी इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन अभी भी इसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और चूँकि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो रिलीजन का जो दार्शनिक पक्ष है, जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसके बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, राइट। क्यों कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म को अलौकिक शक्ति के प्रति आस्था या विश्वास के रूप में, या उसके द्वारा उसके प्रति किए गए कर्मकांड के रूप में हम लोग देखते हैं। तो इनका ईश्वर का क्या स्वरूप था, आत्मा के बारे में इनको जानकारी थी या नहीं थी, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में क्या इनका कॉन्सेप्ट था, ये कुछ किस रूप में ईश्वर को पूछते थे, इसके बारे में हमारे पास जानकारी काफ़ी सीमित है, लेकिन कुछ जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में भी हमारे पास है। उसकी अंतर्गत पहला इन्फॉर्मेशन तो आप ध्यान ये रखिएगा कि ये प्रकृति पूजक हैं, यानी प्रकृति पूजा करते थे। दूसरा, बहुदेवादी थे। तीसरा, मृत्यु के बाद
के जीवन में आस्था थी इनकी। ये कैसे हम कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन में इनकी आस्था थी, राइट? देखो, जो सोसाइटी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करेगा, उसके मृतक संस्कार को जब हम देखेंगे तो उससे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। कैसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो है ये तीन तरह के मृतक संस्कार कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि जो मृतक संस्कार ये कर रहे हैं, ये तीन तरह के मृतक संस्कार कर रहे हैं। एक पूर्ण स्वधान, दूसरा आंशिक स्वधान, और तीसरा दाह क्रम, है ना? कंप्लीट बुरियल्स और फ्रैक्शनल बुरियल। एंड दाह क्रम का मतलब हुआ पोस्ट क्रीमेशन। दाह क्रम का मतलब हुआ कि आग से जलाना, डेड बॉडी को आग से जलाना। दाह क्रम इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। हम लोग ये बात करते हैं कि दाह क्रम ये जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। कैसे करते हैं, जैसे आप अगर देखो कि हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो कि वहाँ 35,000 से 40,000 मोहनजोदड़ो की जनसंख्या थी, तो उसी रूप में तो कंप्लीट ब्यूरियल्स मिलना चाहिए या आंशिक ब्यूरियल्स मिलना चाहिए। तो पूर्ण समाधान के अंतर्गत ये क्या कर रहे हैं कि जो डेड बॉडी है उसको जो है कब्र में दफना रहे हैं, ठीक है? कब्र में ये दफना रहे हैं डेड बॉडी को। लेकिन कब्र में जब डेड बॉडी को दफना रहे हैं तो उसके साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि दैनिक जीवन के संदर्भ में जो वस्तुएं रखी जाती थी उन वस्तुओं को वहाँ पर वो रख भी रहे हैं। तो दैनिक जीवन में जो वस्तु यूज होती थी मृतकों के लिए उन वस्तुओं को आप रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आप मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास कर रहे हैं। आंशिक सावधान के अंतर्गत ये लोग क्या कर रहे हैं कि शव को बाहर छोड़ देते थे और जब वे पशु पक्षी उसको शव को खा जाता था तो बची हुई हड्डियों को फिर जो है बर्तन में रख करके ये दफना देते थे। तो इससे एक बात तो तय है कि हमें ये जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद के जीवन पर इनका विश्वास था, राइट? मृत्यु के बाद के जीवन पर इनका विश्वास था। और चौथा इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि योग में विश्वास था इनको। देखो, योगा का विकास बाद के दिनों में होता है ना? मौर्योत्तर काल में पतंजलि के योग सूत्र से हमें इसका पूरी एडवांस फॉर्म हमारे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब मोहनजोदड़ो से हमें एक मुहर मिल रही है, मोहनजोदड़ो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मुहर है और इस मुहर पर पशुपति की आकृति है, राइट? तो पशुपति की जो आकृति है ये किस मुद्रा में है? योग मुद्रा में है। और योग मुद्रा में होने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जब योग करता है तो उसके साथ ईश्वर भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वो कंसंट्रेट करता है, अपना संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ मिलता है। मृतक संस्कार के संदर्भ में दो और चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि कालीबंगा और लोथल, ये दोनों जगह से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। एक साथ मतलब इनको कब्र में रखने का प्रमाण, दफनाने का नहीं, राइट? यानी डबल ब्यूरियल्स का प्रमाण भी हमको कालीबंगा से मिल रहा। तो इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो धर्म के दार्शनिक पक्ष के बारे में कुछ ही सूचना हमें मिलती है, लेकिन जो क्रिया पक्ष है, कर्मकांडीय पक्ष है, जिसके अंतर्गत ये किन किन देवी देवताओं की पूजा करती थी उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी मिल रही है। जिसके अंतर्गत अगर आप बात करें
तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो देवी है वो है मदर गॉडेस। राइट, मदर गॉडेस मातृ देवी। अब देखो मातृ देवी की जो आराधना है, जो पूजा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो रूपों में मिलती है। एक तो टेराकोटा फॉर्म में, यह मातृ देवी की मृणमूर्ति बनी हुई है, और दूसरा मुहरों पर उत्कीर्ण किया गया है। राइट, अब टेराकोटा जो फॉर्म है, तो कुछ टेराकोटा ऐसे बनाए गए हैं जिसमें मातृ देवी के जो ऊपर का जो पोर्शन है वो खुला दिखाया गया है, या बच्चों को स्तनपान कराते हुए भी मातृ देवी को दिखाया गया है। तो इसके आधार पर अनुमान ये लगा रहा है या जा रहा है कि मातृ देवी की आराधना माता के रूप में भी हो रही थी, और मुहर पर जो मातृ देवी की आकृतियाँ उत्कीर्ण है, जिसमें हड़प्पा से जो है आपको मातृ देवी की ऐसी आकृतियाँ मिलती है मुहर पर, जहाँ पर मातृ देवी को प्रजनन की देवी के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। यह मातृ देवी जो है प्रजनन की देवी है। देखो दुनिया के जितने भी पुराने धर्मों में आप देखोगे, अध्ययन करोगे, तो प्रजनन की पूजा की जाती है। दूसरा, हड़प्पा से ही ऐसी मातृ देवी की उत्कीर्ण मूर्तियाँ मिली है, ये उत्कीर्ण मुहर पर उत्कीर्ण इसके चित्र मिले हैं, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि बलि का प्रयोग भी मातृ देवी की आराधना के लिए किया जाता था, बलि सेक्रीफाइस। राइट, क्योंकि एक मुहर पर, हड़प्पा की एक मुहर पर क्या दिखाया गया है कि मातृ देवी की चित्र बनी हुई है, उसके सामने एक स्त्री झुकी हुई है और उसके पीछे एक व्यक्ति कटार लेकर खड़ा है। दूसरी जगह क्या है, हड़प्पा में ही मिली है कि मातृ देवी की चित्र बनी हुई है मुहर पर और एक भेड़ को बांधा हुआ है और उसके पीछे एक व्यक्ति कटार लेकर खड़ा है। तो इससे ये बात स्थापित होती है कि मातृ देवी की पूजा जो है बलि के माध्यम से भी किया जाता था, और ये मातृ देवी की पूजा को हम कहते हैं कि ये लोक देवी है, है ना। लोक देवी का मतलब क्या होता है कि आम जन में जो पॉपुलर होता है, जैसे बिहार में आप देखोगे देवी माता की मंदिर रहती है गाँव में, ठीक है, तो देवी माता लोक देवी है। राइट, उसको फोक डायटी के रूप में स्थापित किया जाता है कि आम लोगों की वो देवी है, वो लक्ष्मी काली सरस्वती नहीं है, वो देवी माता है, जहाँ पर सात जो है कटोरे के आकार के आकृतियाँ बनी रहती है मंदिरों में। तो यहाँ पर इस मदर गॉडेस को लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण जो देवता है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया था, पशुपति। राइट, और पशुपति के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो के मुहर से। अब ये पशुपति को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बड़ा ये पॉपुलर जो है इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो ये पशुपति जो है, इसके तीन सिंह हैं, इसके ललाट पर तीन सिंह हैं, ये योग मुद्रा में है, योग मुद्रा में है, इसके आँखें अर्ध उन्मूलित है, आधी खुली हुई आँखें हैं, इसके चारों तरफ चार पशु हैं। कई बार ये पूछ देता है कौन कौन पशु है, तो ध्यान ये रखिएगा कि हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा, और पैर के पास दो हिरण है। राइट, अब देखो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है एक मुहर के बारे में, तब जाकर के आप एक उड़ेशी के साथ है क्वेश्चन का हल कर सकेंगे। और पशुपति का संबंध आप ये ध्यान में रखिए कि सर्प पूजा से भी है, यानी
नाग पूजा जिसको आप बोलते हैं, तो हड़प्पा से नाग पूजा के बारे में भी कॉन्सेप्ट मिलता है। हड़प्पा से एक मुहर मिली है, उस मुहर पर क्या है कि एक के पशुपति के समान देवता की आकृति उत्कीर्ण है और उसके सामने दो व्यक्ति का चित्र भी उत्कीर्ण है और उनके सिर पर जो है नाग की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ इसको कनेक्ट किया जाता है कि इसके कारण क्या हो रहा कि एक तरह सर्प पूजा भी है और लोथल और मोहनजोदड़ो से जोड़े में सांप मिला है की आकृति मिली है, जोड़े में सर्प की आकृति मिली है ये मिट्टी के ठीकरा पर, राइट। तो इससे भी आपको ये पता चलता है कि नाग पूजा का प्रचलन जो है इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत था। इसके अलावा इंडस सिविलाइजेशन के लोग लिंग एवं योनि पूजा ये भी पशुपति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इंडस सिविलाइजेशन से ही दिखाई देता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि पशुपति भी एक तरह से द्रविड़ीय देव के रूप में है। इसके अलावा पशु पूजा, तो पशु पूजा में सबसे जो लोकप्रिय पशु है वो है कुंवरदार सांड। गाय पवित्र पशु नहीं है, ध्यान ये रखना है कि गाय पवित्र पशु नहीं है, गाय की पूजा लोग नहीं करते हैं। गाय की पूजा छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बौद्ध और जैन धर्म के लोग शुरू किए और बाद में हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म के अंतर्गत गाय को शामिल करते हैं। ये लोग कुंवरदार सांड की पूजा करते हैं और वृक्ष पूजा भी इनमें प्रचलित है। तो वृक्ष में ये पीपल, केला और बबूल, राइट। इसके अलावा जो पूजा है इनका, तो अग्नि कुंड का साक्ष्य हमें मिला है दो जगह से, ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य एक तो आपको लोथल से मिल रहा और दूसरा आपको कालीबंगा से मिल रहा, राइट। और इसके अलावा इससे समय पवित्र स्नान का कॉन्सेप्ट, पवित्र स्नान का कॉन्सेप्ट भी है जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ये जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इनका जो देव मंडली है वो बहु देवाद को दर्शाता है। लेकिन जो यूनिक चीज़ है वो यूनिक चीज़ ये है कि एक नगरीय सभ्यता के लोगों के मन में धर्म के प्रति इतनी बड़ी आस्था दिखाई देती है जो कि दुनिया के अदर किसी नगरीय समाज में नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा स्वास्तिक के जो प्रतीक है हिंदू धर्म का आर्जू का, तो स्वास्तिक प्रतीक का भी प्रमाण हमें इंडस सिविलाइजेशन से मिलता है। तो इस तरह से आप इंडस से जो सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को, इसको हमने समझने का प्रयास किया और इस पर क्वेश्चन काफ़ी ऑब्जेक्टिव में बनता है जिसको आप ध्यान में रखेंगे।